हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा और लेकर आया हूं आज एक मोटिवेशनल वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस जरूर लेकर आएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो शुरुआत करते हैं एक कवि की चंद पंक्तियों से। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब हमने अपनी लाइफ में गोल सेट कर लिए तो फिर हमने घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कैरियर में गोल सेट करना। क्या आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं गोल सेट किए हैं अपने कि लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं आप, या कुछ टारगेट सेट हैं आपके कि मैं ये ऑफिसर बनूं, मैं कोई नायब तहसीलदार बनूं, या मैं IAS ऑफिसर बनूं, या मैं HAS ऑफिसर बनूं, IPS बनूं, या मैं डॉक्टर बनूं? क्या इस तरह के लाइफ में गोल सेट किए हैं? अगर किए हैं तो उन गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, पूरी की पूरी ताकत लगा दीजिए, और आपके गोल के अंदर, गोल के बीच में किसी भी चीज को मत आने दीजिए। सबसे बड़ी कामयाबी आपको तब मिलेगी जब आप ऐसा करोगे, ये गारंटी है मेरी। मुझे पूरा विश्वास है इस चीज का कि जब आप अपने टारगेट को लेकर कॉन्शियस होते हैं और अपने गोल और अपने बीच में किसी चीज को भी जो इंटरप्ट कर सकते हैं उसको नहीं आने देते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पटवारी का टेस्ट आया तो पटवारी का टेस्ट भर लीजिए, टीचर का टेस्ट आया तो कोई टीचर का कर लीजिए, JBT का आया तो वहां भर लिया। अरे यार, सबसे पहले ये देखो कि आपको लाइफ में बनना क्या है। बहती गंगा में हाथ मत धो लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अपनी लाइफ में एम सेट नहीं करोगे मेरे भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एम सेट कीजिए, अपनी लाइफ में कुछ गोल्स सेट कीजिए, तभी आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करोगे। अपने सराउंडिंग में उन लोगों के साथ चर्चा कीजिए, या उन लोगों के बीच में रहिए जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आप उन लोगों के बीच में ना रहें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। अपने रूम के अंदर भी आप कहीं ना कहीं कोट्स लाइए, कोट्स पेस्ट करिए, कोई ऐसे कैलेंडर्स या ऐसे कोई पोस्टर्स हैंग करिए जो आपको डेली मोटिवेट करें। और अपने टारगेट आपने लिए हैं तो आप टारगेट को भी अपनी वॉल के ऊपर लिखिए। अपनी मोबाइल के वॉलपेपर पर भी आप कोशिश करिए कि आपका जो एम है उसको लेकर चलिए, उसको सामने लाइए। आप अपने डेस्कटॉप पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर भी वो चीजें रखिए, क्योंकि ये चीजें आपको इंस्पायर करेगी, आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। एक और चीज, आपके पेरेंट्स आपके पीछे होते हैं, यानी कि फोर्स कौन है आपके पीछे, आपके मां बाप। और मां बाप किस तरह से पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, क्या कभी आपने सोचा इस चीज के बारे में? वो किस तरह से कमाते हैं? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स में भी मजदूरी भी करते हो, दिन भर मेहनत करते हो, रात को शाम को बेचारे थके हारे घर पहुंचते हैं, सुबह फिर 4 बजे की रूटीन, कुछ लोग तो खेतों में 4 बजे काम करते हैं, किस तरह से पैसा कमाते हैं? क्या आपने कभी इस तरफ सोचा? क्या आपने अपने मां बाप के सपनों के बारे में भी सोचा कभी कि आपको लेकर उनके दिमाग में, उनके मन में क्या सपने हैं, उन्होंने क्या सपने संजोए हैं? मुझे नहीं लगता कि आप लोग सोचते हैं। अगर जो सोचते हैं वो डेफिनेटली कामयाब भी होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो सराउंडेड लोग होते हैं यानी कि सराउंडिंग में, आपके घर के आसपास आपके रिश्तेदार कह लीजिए, वो क्या पूछते हैं, अरे फलाने का बेटा तो कोचिंग लेने गया है, फलाने का बेटा तो वो ट्रेनिंग कर रहा है, वहां पढ़ाई कर रहा है, देखो अब क्या करता है वो। और आपके माँ बाप को ताने भी मारते हैं, सुनाते हैं वो कि देखते हैं इसका बेटा क्या कर लेता है, और कौन सा पहाड़ खोद लेगा ये, क्या कर सकता है ये, इस तरह के ताने मारते हैं। और आप जब ट्रेनिंग करके घर से आते हैं, ट्रेनिंग करने के लिए क्या है,
मस्ती मारी, फोकस किया नहीं स्टडी पर, कोई एम्स तो सेट था ही नहीं आपका, लाइफ में कोई एम ही नहीं था, बस किसी ने कहा चलो जी चंडीगढ़ चलो कोचिंग लेनी है, चलो जी शिमला चलो जी कोचिंग लेनी है, चलो जी हम दिल्ली चले जाएं कोचिंग लेनी है, कहीं की भी बात बता रहा हूँ भाई, चलो यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहां क्या किया, टाइम पास, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर डिग्री लेकर आ गए और तो कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, और फिर माँ बाप को वो ताने सुनने पड़ते हैं, कभी सोचा आपने? बट जिस दिन आपको इन चीजों का एहसास हो जाएगा और उस दिन से आपके कैरियर के अच्छे दिन भी शुरू हो जाएंगे, और अभी भी टाइम है स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपके कैरियर को लेकर कुछ चीजें अभी उथल पुथल मचा रही हैं, तो आपने लाइफ में एम सेट करिए, अपने कैरियर को लेकर एम सेट करिए, उसके लिए तैयारी करिए, उसके लिए हार्ड वर्क करिए, सुबह 4-4 बजे उठिए, एक नई 50 किताबें पढ़िए, क्योंकि बुक्स नॉलेज देती हैं, बुक्स में नॉलेज है, यूट्यूब चैनल्स पे देखिए, बुक्स में देखिए, जहां हो सकता है कंटेंट पढ़िए, और क्या करिए, मेहनत करिए, किसी भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि नौकरी की कमी नहीं है, सच में बताऊं मैं तो ढेरों सारी नौकरी है, मुझे नहीं लगता कि नौकरी की कोई कमी है, हिमाचल में ढेरों सारी जॉब्स निकलती है, नेशनल लेवल पर जॉब निकलती हैं, डिफेंस में जॉब्स होती हैं, यूपीएससी की जॉब्स निकलती हैं, एसएससी की जॉब्स निकलती हैं, रेलवे में जॉब है, बैंकिंग में जॉब है, एमटीएनएल में जॉब है, एनएचपीसी में जॉब है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जॉब से भरे पड़े हैं, खाली हैं वहां पे, जॉब्स ही जॉब्स है, लेकिन करने वालों के लिए जॉब की कमी नहीं है, और जिसको जॉब नहीं मिलती है या जो नालायक है वो क्या सोचता है, या जो मेहनत नहीं कर सकता वो क्या सोचता है, और नहीं नहीं जी वहां तो बड़ी भीड़ है जी, वहां तो ऐसा है जी, वहां फलाना ढिमका, यार तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो कैसे जॉब मिलेगी तुम लोगों को, बहाने ही मारते रहोगे लाइफ में, कोशिश करिए, मेरी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि जिसके अंदर आग है ना वो उस आग के सहारे आगे बढ़ सकता है, अपने अंदर यहाँ पे इस दिल में जगाइए कुछ फायर, कुछ आग जगाइए कि यार मुझे करना है, थोड़ा स्पार्क करिए कुछ अपने अंदर कि लाइफ में कुछ बनना है मुझे, सो अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली हम बनेंगे, बट जब हमारे अंदर सोच ही नहीं आएगी, हम अपने माँ बाप की तरफ भी नहीं देख पाएंगे कि वो मेहनत कर रहे हैं बेचारे हमारे लिए, पापा 10,000 भेज दो, पापा 5,000 भेज दो, यार वो 5,000-10,000 पेड़ पे लगे हैं आपके माँ बाप ने, कोई पेड़ से तोड़ के आपको दे रहे हैं वो, अरे वो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उतना ही हार्ड वर्क अगर अपनी लाइफ को बनाने में आप करोगे तो मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक ना एक दिन अपने मुकाम को हासिल करोगे, यही मेरी आपसे उम्मीद है, और यही हर माँ बाप की भी उम्मीद होती है, एक गुरु की एक टीचर की भी उम्मीद होती है, आशा होती है आपसे, तो मुझे एक भरोसा दिलाओ कि क्या आप अपने माँ बाप को एक विश्वास दिला सकते हो कि पापा मैं कुछ बेहतर बन के दिखाऊंगा, मैं यहां पर ये वाली जॉब या इस जॉब में मैं क्वालिफाई करके दिखाऊंगा, सोचिए इस तरह, लोगों की बातों को छोड़ दीजिए, और जैसे कि लाइंस में मैंने बताया है कि हौसले जब हमने बड़े रख लिए तो फिर घबराना नहीं है हमें किसी चीज से, और कहते हैं ना कि रास्ते मंजिल के निशान होते हैं, बिल्कुल सही है, रास्ते मंजिल के निशान इसलिए होते हैं कि जब हम चल पड़े जिस मंजिल की ओर तो कहीं ना कहीं मंजिल वो जरूर मिलेगी, बट जब मंजिल की शुरुआत ही नहीं करेंगे, जिस उस रास्ते की शुरुआत ही नहीं करेंगे हम, तो मंजिल कैसे मिल सकती है मेरे दोस्तों, कोशिश करिए कोई बेहतर रास्ते चूज करें, अपनी लाइफ में कुछ हार्ड वर्क करिए, कुछ एम सेट कर लीजिए, गोल सेट कर लीजिए, और उन गोल्स को पूरा करने के लिए डे नाइट मेहनत करिए, सुबह 4-4 बजे उठ के पढ़ाई करिए, शाम को आप फुल यानी कि रात को 10-11 बजे 12 बजे तक पढ़ाई कर लीजिए, सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, जॉब लग जाएगी सोना ही सोना है फिर, लेकिन तब तक तो आप हार्डवर्क करिए, दूसरों को कब तक दोष देते रहोगे,
अपने माँ बाप को भी कब तक दोष देते रहोगे, पापा ने तो इस जॉब में भेज दिया या इस सॉरी कैरियर का ये वाला रुख जो है वो पापा ने बोला कि नहीं तू टीचर बनना है तूने, तो नहीं ऐसा करना है या तूने जेई बनना है। अरे यार वो तो बेचारे अपनी तरफ से आपके लिए सोच रहे हैं ना, पर आपने क्या करके दिखाया। जब पापा ने बोल दिया कि ठीक है बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे नीट क्लियर करना है, ठीक है बेटा तुझे बैंकिंग में जाना है, और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है ये बैंकिंग में जाए या मेरी बेटी बैंकिंग में जाए या मेरी बेटी डॉक्टर बने या मेरा बेटा इंजीनियर या बेटी इंजीनियर बने। माँ बाप अगर सोचते हैं तो कि गलत नहीं सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन कभी आपने उनकी तरफ मुड़ के देखा कि वो मेहनत जितनी करते हैं उतनी मेहनत आपने करने की कोशिश की कभी? स्टूडेंट्स जब तक आप उनके मेहनत के एनालिसिस नहीं करेंगे और उतनी मेहनत आप नहीं करोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत मुश्किल आएगी। तो फिर क्या डगमगा जाओगे? नहीं, आपको भी हौसला रखना है। एक नहीं दूसरी बार किसी टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए क्या एक ही बार है? अरे लाइफ है यार, स्टूडेंट लाइफ बहुत भरी पड़ी है। 21-22 साल की उम्र में हम लोग जॉब की तलाश में चल पड़ते हैं और 40 तक लाइफ में कैरियर बनाने के मौके होते हैं। एक साल नहीं दूसरे साल, दूसरे नहीं तीसरे। आपने सुना है ना कई बार कि बहुत सारे लोग IAS की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, सिविल की तैयारी करते हैं, बट क्या होता है एक बार में एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, दूसरी बार में भी नहीं कर पाते, तीसरी बार में नहीं, चौथी बार में एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो क्या हो गया? लेकिन एम तो लेकर चले हैं ना, गोल तो सेट है ना उनके, डगमगाई तो नहीं ना। सो आप भी कुछ ऐसा करिए। मैं पूरी उम्मीद से ये कह सकता हूं कि अगर आप अपने गोल सेट करेंगे तो लाइफ में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं भी बहुत बहुत नीचे लेवल से उठकर यहां तक आया हूं, आपको मैं अपनी बात बताऊं। सो स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में IAM पॉसिबल करिए, इम्पॉसिबल वर्ड हटा दीजिए, IAM को अलग कर लीजिए, पॉसिबल को अलग करो, IAM पॉसिबल। यही मेरी आपसे उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में ये ला सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।